टीचर जो है ना उसके ऊपर कोई एक्शन ले। अच्छा, अब दो दो बातें हो गई इस स्लाइड में हमने पूछी हैं। इस स्लाइड में हमने पूछा है कि सुपर कंडक्टर क्या होता है और सुपर इंसुलेटर क्या होता है, सुपर कैपेसिटर क्या होता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी स्लाइड पर, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेड आउट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बनाए जाते हैं। तो उसमें वो कहता है कि पहले तो जर्मेनियम इस्तेमाल होता था बहुत ज्यादा, लेकिन फिर जर्मेनियम जो है वो उसके बाद जो है सिलिकॉन इस्तेमाल होने लग गया, गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ये जो मैं बातें बता रहा होता हूँ ये जो है मेरे जहन में मतलब उस प्रीवियस नॉलेज की वजह से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो आपने इनको जो है दोबारा से गूगल करके देखना है कि गूगल सर्च इंजन में क्या इंफॉर्मेशन आती है। अब आप जब देखेंगे कि जर्मेनियम क्या क्या है, जर्मेनियम की मालूमात क्या है, तो आपको पता चलेगा कि जर्मेनियम जो था वो मेटल टाइप का एक एलिमेंट था, सिलिकॉन जो है उसके मुकाबले में एक सेरामिक टाइप का एलिमेंट है। इसी तरह से गैलियम आर्सेनाइड जो है वो एक अलग से एक मटेरियल है, और सिलिकॉन कार्बाइड जो है बहुत हार्ड मटेरियल है और हाई टेम्परेचर मटेरियल है। ये हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जब हम खला में भेजते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं सैटेलाइट से, तो फिर ये जो आम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हैं ये काम नहीं देते, और ऐसी सूरत में हमें हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड या इससे बनी हुई चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की, वो हम खला में भेज सकते हैं। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं कि आजकल जो एक और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हम बहुत ज़्यादा उसका जिक्र करते हैं, और वो है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है ग्रेफीन, जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं और वो जो है अंडर स्टडी है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जल्द ही जो है मंजर आम पे आ जाएगा, उसके डिवाइसेस जो हैं वो यूज होने लग जाएंगे। तो ग्रेफीन चूंकि 2010 में उसके ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया है, और ग्रेफीन जो है एक कार्बन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, और ये बहुत ज़्यादा अपनी खसूसियात की बिना पर मशहूर हो गई है। तो ये जो सिलिकॉन आर्किटेक्चर है, सिलिकॉन आर्किटेक्चर कंप्यूटर का, ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। इसके मुकाबले में अगर सिलिकॉन की बजाय ग्रेफीन आर्किटेक्चर आएगा तो फिर ऐसा होगा कि पावर जो है कम कंज्यूम होगी। तो ख्याल किया जाता है कि आइंदा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी वो सिलिकॉन की बजाय ग्रेफीन बेस्ड होगी, और वो शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा सस्ती भी हो, क्योंकि सिलिकॉन मटेरियल जो है वो कास्ट इफेक्टिव मटेरियल नहीं है, और इस वजह से जो है उसको तर्क करने के मुतालिक सोचा जा रहा है। लेकिन वो इतनी मैच्योर टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और उसके डिवाइसेज जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में आ चुके हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की वजह से एक पायदारी का लेवल भी हासिल कर चुकी है। लेकिन इसमें मसला आ रहा है कि ये जब बहुत ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी में और मज़ीद हम जाएंगे तो ये डिवाइस छोटे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मिनीचराइजेशन के लिए रुकावट आ रही है। 5 नैनो या 10 नैनो जो नोड साइज है उस पर जो है रुकावट आ जाएगी, और उसके अंदर जो है सिलिकॉन मटेरियल काम नहीं देगा। तो फिर जो है हम ग्रेफीन मटेरियल को इस्तेमाल करना चाहेंगे जो कि इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर खसूसियात रखता है। कंडक्टर जो हैं गुड कंडक्टर्स, लो रेजिस्टेंस रखते हैं, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू देम वेरी इजीली, और बेस्ट एलिमेंट कंडक्टर्स इंक्लूड करते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम और निकल,
और गुड कंडक्टर्स कैन आल्सो बी लिक्विड हो सकते हैं, जैसे कि साल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर। और लेकिन हम कहीं कहीं पर इस तरह के मटेरियल यूज कर सकते हैं जहां हमें उसकी जरूरत होगी। कंडक्टर में क्या होता है, उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम किसी दिन और बहुत ज्यादा तफसील से बात भी करेंगे, ताकि हम इस चीज को रिवाइज करें। ये बार बार आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पहले देखा था कि एक डाल्टन की थ्योरी थी, फिर रदरफोर्ड का मॉडल था, और फिर इसी तरह से और मॉडल आए, और फिर जो है उसके बाद मॉडल रिफाइन होते गए, और फिर हमने कहा कि एटम जो है बहुत ही मिनीचर किस्म का जर्रा है, और वो जो है नैनो या आर्मस्ट्रांग रीजन में उसका साइज है। और फिर हम कहते थे कि जी जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम जो होते हैं उनके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, और उसके गिर्द जो है हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और ऑर्बिट जो है वो शेल में होते हैं, और हर शेल के ऑर्बिट मुख्तलिफ होंगे, जैसे एस शेल है और के शेल एल एम एन। तो के जो है हम कह देते थे कि एस सब ऑर्बिटल होंगे, और फिर उसके बाद हमने कहा एस के बाद पी भी होगा, उससे बाद जो एम एन आएंगे उनमें एस पी के बाद डी भी होगा और एफ भी होगा। तो फिर हम उसको कहते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमने पहले बात की कि जी एटम का मॉडल क्या होता है, एटम क्या होता है, और उसके बाद जो हमने उसके स्ट्रक्चर की बात की, और उसके बाद हमने कहा कि अब जो नया यानी प्रिवेल कर रहा है जो मॉडल, उसमें हम ये तमाम चीजें उसका जिक्र करते हैं कि जो एटम है वो बहुत छोटे साइज का होता है, और उसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में अब जब हम जाएंगे तो ये पार्टिकल फिजिक्स का सब्जेक्ट भी बन जाता है, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सब्जेक्ट भी बनता है, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी बनता है, और ये फिजिक्स का सब्जेक्ट भी बनता है। और जहाँ जहाँ पे भी हम जब एटॉमिक लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ गुड कंडक्टर्स यूजुअली इंक्लूड ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है तो उसके गिर तो एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के गिर जो है दो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जो है ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। इट इज कॉल्ड ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट इज इजीली स्ट्रिप्ड फ्रॉम द एटम प्रोड्यूसिंग करंट। और ये जो आउटर एलिमेंट जो ऑर्बिट में आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इजीली नॉक्ड आउट हो जाते हैं, और इजीली ये हमें करंट फ्लो में मदद देते हैं। फिर हम कह देते हैं कि इंसुलेटर, इंसुलेटर में हम कहते हैं कि इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें हाई रेजिस्टेंस होती है और करंट जो है उसमें पास नहीं कर सकता। और फिर जो है गुड इंसुलेटर्स हो सकते हैं ग्लास, सिरेमिक, प्लास्टिक गुड। इसीलिए मैंने यहाँ पर जहाँ पे ये गुड इंसुलेटर कह रहा है मैंने एक लफ्ज आपको बताया है सुपर इंसुलेटर। तो जब आप तो चेक करोगे गूगल में इंफॉर्मेशन देखोगे कि सुपर इंसुलेटर क्या होते हैं, तो ये जो मतलब है सवाल पूछा जा सकता है। और ये सुपर कैपेसिटर भी हो सकता है, सुपर इंसुलेटर भी हो सकता है, और सुपर कंडक्टर भी हो सकता है। सुपर कंडक्टर की सूरत में उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, और सुपर कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका चार्जिंग टाइम बहुत शॉर्ट है लेकिन डिस्चार्ज टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग है। और ये सुपर कैपेसिटर आजकल बैटरी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये लैपटॉप में या इस तरह के डिवाइसेस में इस तरह के कैपेसिटर बना के यूज किए जा रहे हैं जो चार्ज तो जल्दी से हो जाए लेकिन डिस्चार्ज टाइम जो है उनका वो लॉन्ग हो। इसके बाद हम आ जाते हैं द एटम्स आर टाइटली बाउंड टू वन अनदर सो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिकल्ट टू स्ट्रिप अवे फॉर करंट फ्लो। तो उसमें जो इंसुलेटर है उसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन अलहदा नहीं हो सकते और इस वजह से वो फ्लो में हिस्सा नहीं ले सकते। फिर हम कह देते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है वो कहते हैं कि जी इस तरह का मटेरियल है जो कि एक तरफ तो वो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो इन बिटवीन होती है
ना तो वो सुपर कंडक्टर की तरह से होता है, ना ही कंडक्टर की तरह से होता है, ना ही उसकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की तरह से होती है, बल्कि इन बिटवीन होती है। तो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज प्रॉपर्टीज आर सच दैट इट इज नॉट क्वाइट ए कंडक्टर, नॉट क्वाइट एन इंसुलेटर। सम कॉमन जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो ये हो सकते हैं, एलिमेंटल हो सकते हैं, कार्बन मटेरियल एलिमेंटल फॉर्म है, ये भी सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव कर सकता है, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी। और फिर कंपाउंड की सूरत में सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम आर्सेनाइड, और इसके अलावा गैलियम नाइट्राइड भी है। गैलियम नाइट्राइड जो है इसमें इसने जिक्र उसका नहीं किया है, लेकिन वो वाइड बैंड सेमीकंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब आपने ये दो बातें यहाँ पर इस स्लाइड के मुताबिक मालूम करनी है कि गैलियम नाइट्राइड या वाइड बैंड सेमीकंडक्टर क्या कौन से कंपाउंड होते हैं, और इस तरह से हमने ये मालूम करना है कार्बन, कार्बन जो है उसकी एक फॉर्म सिर्फ ग्रेफीन है जो, और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो टोटली तौर पर एज ए कंडक्टर यूज होता है, लेकिन ग्रेफीन शीट जो है उनकी बैंड गैप को कम ज्यादा करके हम इंसुलेटर या हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, और हम उनको एज ए कंडक्टर भी बना सकते हैं। तो इसलिए ग्रेफीन जो है उसकी अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि एक ही मटेरियल है जो तीन प्रॉपर्टीज के लिए यूज हो सकता है, ग्रेफीन एज एन इंसुलेटर, ग्रेफीन एज ए कंडक्टर, और ग्रेफीन एज एन इंसुलेटर कंडक्टर के अलावा एज ए सेमीकंडक्टर। तो यानी ये तीनों प्रॉपर्टीज ग्रेफीन में आ गई। तो ये किस तरह से ग्रेफीन जो है एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, और किस तरह से ग्रेफीन जो है सेमीकंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है, ये डिपेंड करता है उसके बैंड गैप पर। और बैंड गैप क्या होता है, बैंड गैप जो है हम कहते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है उसे हम बैंड गैप कहते हैं। तो अगर वो बैंड गैप ओवरलैप कर जाता है तो मटेरियल जो है कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है, अगर सेमी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिस्टेंस मौजूद हो एनर्जी का तो फिर ऐसी सूरत में या तो वो इंसुलेटर होगा और या फिर वो सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर की सूरत में वो बैंड गैप बहुत कम हो जाता है। तो आपने ये देखना है कि बैंड गैप होता क्या है, बैंड गैप ऑफ ए मटेरियल, नंबर एक सवाल। नंबर दो, दूसरा सवाल है कि ग्रेफीन एज एन इंसुलेटर, ग्रेफीन एज ए कंडक्टर और ग्रेफीन एज ए सेमीकंडक्टर, ये तीनों प्रॉपर्टीज कैसे उसमें आ जाती हैं। ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि ये जो है ड्यू टू बैंड गैप मॉडिफिकेशन या बैंड गैप ट्यूनिंग की वजह से पॉसिबल है कि हम एक मटेरियल को तीनों खासियतों के लिए यूज कर सकें। अब अगर ये सेशन खत्म हो जाता है तो हम ये, क्योंकि स्लाइडें तो हमारी काफी रहती हैं, हम दोबारा से शुरू करेंगे इसको सेशन को, तो मैं देख लूंगा कि ये कब इसके बाद खत्म हुई है। तो अभी इसके बाद जारी है तो फिर हम ये इसको कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद जो है सेमीकंडक्टर वैलेंस ऑर्बिट, तो सेमीकंडक्टर के वैलेंस ऑर्बिट किस तरह के होते हैं, तो वो कहते हैं सिलिकॉन में ऐसा मुमकिन है कि चूंकि 14 इसका नंबर है तो 14 प्रोटॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाएंगे और 8 दूसरे शेल में, और तीसरे शेल में जो है वो सिर्फ 4 रह जाएंगे। तो इसके आउटर ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट इज दैट इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर आर वैलेंस ऑर्बिट। ये ऑफ ए सेमीकंडक्टर एलिमेंट सिलिकॉन कहना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर, हर सेमीकंडक्टर में जो आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 4 और किसी में 3। तो इसलिए ये बात जो है यहाँ पर क्लियर कर दी जाए कि हर सेमीकंडक्टर के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अलबत्ता सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवाज आ रही है?
हेलो यस सर जी सर। अच्छा इसके बाद जो है हम आ जाते हैं क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर जो है ना हम कहते हैं सिलिकॉन का, यहाँ पे वो सिलिकॉन का डिस्कस कर रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो सिलिकॉन के एटम इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि उनके जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो बाकी जो एटम है उनके साथ जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये दरमियान का सिलिकॉन एटम है तो इसने अपनी 4 एटमों के साथ बॉन्डिंग मुकम्मल की हुई है और इस तरह से ऑक्टेट रूल के तहत इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी हो जाएगी और इस तरह से जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग की मदद से ये सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो वजूद में आ जाता है। द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एटम इज देयर एबिलिटी टू लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए फिजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टल लेटर्स। हम इसको क्रिस्टल लेटर्स कहते हैं और ये लेटर्स क्रिस्टल लेटर्स इसलिए जाते हैं क्योंकि ये एक कंटिन्यू होता है, दरमियान में ये टूटता नहीं है। द एटम्स लिंक टुगेदर विद वन अनदर शेयरिंग देयर आउटर इलेक्ट्रॉन, दीज लिंक्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ये स्ट्रक्चर वजूद में आया और उसके बाद इसने ये दिखाया कि ये जो एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं कि पीजो ट्यूब है और यहाँ पे ये टनलिंग करंट है और डिस्टेंस कंट्रोल कर रहा है ये और इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है और जब ये करीब करीब लेके आएगा इसकी टिप को सैंपल के ऊपर, तो जब सैंपल के ऊपर लेके आएगा तो सैंपल का जो एटम है कहीं पर वो गैप होगा और कहीं पर नहीं होगा, वो सारा डेटा रिकॉर्ड हो सकता है। तो इस तरह से हम ये सरफेस स्कैनिंग करके हम मालूम कर लेते हैं कि ये जो एटम है इसके ये जो मटेरियल है इसके अंदर कोई गैप तो नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये गैप मौजूद है जो हमने एसटीएम के जरिए से चेक किया है, एसटीएम इमेज लेके सिलिकॉन का, तो वहां पर ये जो गैप होते हैं ये गैप यहाँ पर भी दिखा रहा है इसको बड़ा करके इसके प्रोजेक्शन को, जहाँ पे टिप और ये लगाई है इसने सरफेस के साथ तो उसको बड़ा करके दिखा रहा है कि उसके दरमियान में गैप मौजूद था जो कि रिकॉर्ड हो जाता है और ये रिकॉर्डिंग जो है इस तरह से कर ली गई है। और यहाँ पर इस तरह से देखें एसटीएम टोपोग्राफिक इमेज ऑफ सिलिकॉन 111 सरफेस। तो ये इसने सिर्फ ये समझाने के लिए बताया कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनमें इस तरह के गैप्स पॉसिबल हैं और उनका फायदा भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है और डिपेंड करता है कि हम उस मटेरियल को किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर कैन बी इंसुलेटर। अब देखो ये इसने बात बताई कि सेमीकंडक्टर जो है उसको इंसुलेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ द मटेरियल इज प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक सिलिकॉन, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सिलिकॉन, तो वो जो है क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर वो इस तरह से होगा कि वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेगा। सिंस ऑल द एटम्स आर बाउंड टू वन अनदर एंड आर नॉट फ्री फॉर करंट फ्लो। करंट तो उस वक्त फ्लो करेगा जब उसके अंदर कोई नुक्स होगा या जिसे कहते हैं हम गैप्स होंगे, तो उस तरह के जो गैप्स हैं वो हम यूज करना चाहेंगे और वो सेमीकंडक्टर में डोपिंग की मदद से हम ऐसा करते हैं। जब हम डोपिंग करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है या तो उसमें क्रिस्टल में वो ज्यादा हो जाते हैं और या फिर होल ज्यादा पैदा हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैप या इलेक्ट्रॉन की जगह पर गैप रह गया है तो उसको हम कहते हैं होल। और वो जो होल होता है वो इस बात की अक्कासी करता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकता है और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं उसमें। तो गुड इंसुलेटिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल इज रेफर टू एज इंट्रिंसिक, और उसको हम एक और नाम दे देते हैं, ये एक टर्म इस्तेमाल होती है जब हम कहें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है तो आपके जहन में फौरी तौर पर ये बात आ जानी चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटिंग बिहेवियर रखता है, उसमें करंट जो है फ्लो नहीं कर सकता। सिंस द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम आर टाइटली बाउंड टुगेदर विद वन अनदर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफिकल्ट टू डिसलॉज फॉर करंट फ्लो। सिलिकॉन इन दिस फॉर्म इज ए ग्रेट इंसुलेटर।
और इसी तरह से सेमीकंडक्टर जो है मटेरियल इज ऑफन यूज एज एन इंसुलेटर। फिर हम कहते हैं हम डॉपिंग कर लेते हैं, तो जब हम डॉपिंग करते हैं तो फिर डॉपिंग में क्या होता है, ये इसमें हम जैसे मैंने बताया कि कोई सेमीकंडक्टर एलिमेंट उसके आउटर ऑर्बिट में थ्री होते हैं, थ्री और फाइव की कर सकते हैं, थ्री और फोर की कर सकते हैं। तो जब हम थ्री और फोर एलिमेंट की करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसमें गैप रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बजाय होलों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और जब हम थ्री और फाइव की करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो कोई एन टाइप मटेरियल बनाएंगे हम और कोई पी टाइप मटेरियल बनाएंगे, पी टाइप मटेरियल जो है वो भी डॉपिंग से बनेगा और एन टाइप मटेरियल भी, और वो हम बाद में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर जो है वो किस तरह से उसकी डॉपिंग की जाती है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम डॉपिंग कर सकते हैं। अब देखिए इम्प्योरिटीज आर एडेड और वो डिफरेंट एलिमेंट्स की होती हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डॉपिंग, तो हम इसको डॉपिंग कहते हैं। तो डॉपिंग फिनोमिना क्या होता है जब आपसे पूछा जाए तो आप उसको डॉपिंग फिनोमिना को डिस्क्राइब कर सकें। ये डॉपिंग फिनोमिना जो होता है उसमें इंट्रिंसिक स्लिप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ और एलिमेंट जो है वो मिक्स कर दिए जाते हैं, और अगर हम पी टाइप का मटेरियल बनाना चाहते हैं तो होल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और अगर हम एन टाइप मटेरियल बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। एन इम्प्योरिटी आर एलिमेंट लाइक आर्सेनिक हैज फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जब उसको ऐड किया जाएगा आर्सेनिक को विल अलाउ फोर ऑफ द आर्सेनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू बाउंड विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो कि रह जाएगा, जो कि बॉन्ड नहीं बना सकेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो में मदद देगा तो ये कंडक्ट कर सकेगा, और इस वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस इफेक्ट जो हो सकता है वो डॉपिंग में क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस या तो बढ़ जाएगी और या कम हो जाएगी। इफेक्ट देखना चाहते हैं डॉपिंग का, तो इफ यू यूज लॉट्स ऑफ आर्सेनिक एटम्स फॉर डॉपिंग देयर विल बी लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विल बी लो एंड करंट विल फ्लो फ्रीली। और इसी तरह से ये जो if you use a few boron atoms will be fewer free electrons so the resistance will be high and less current will flow by controlling the doping phenomena ya doping amount virtually any resistance can be achieved। hum har tarah ki resistance jo semiconductor hain wo bana sakte hain। ye jo o ko haath khada kar raha hai ye sawal aap jo hai na ye resistance effects of doping, if you use lots of arsenic atoms for doping there will be lots of extra electrons so the resistance of the material will be low and current will flow freely, if you use only a few boron atoms there will be fewer free electrons so the resistance will be high and less current will flow by controlling the doping amount virtually we can control the resistance of the semiconducting material। another way of doping we can dop semiconducting material with the elements lying in the third column or in the fifth column, so if we dope the semiconductor material with the atom such as boron that has only three valence electrons in the outermost shell, three electrons in the outer orbit will form covalent bond with the other atoms
So the electrons, one electron remain missing from the bonding. This place where a fourth electron should be referred or can be filled is called hole. The hole assumes a positive charge, so it can attract electrons from some other sources. So electrons and holes, if hole becomes a type of current carrier like electron to support current flow, then it will called hole current. Types of semiconducting material. The semiconducting material can be formed of n-type or p-type. Silicon doped with extra electron is called n-type material. And if the holes carriers are more than the electrons, then it is called p-type material. Silicon doped with material missing electron that produce locations called hole is called p-type semiconductor. P-type is positive and referred to as hole. The current flow in n-type semiconductor, the DC voltage source has a positive terminal that attracts the free electrons in the semiconductor and pulls them away from their atoms, leaving the atoms charged positively. So the electrons from the negative terminal of the supply enter the semiconductor material and are attracted by the positive charge of the atom, missing one of the electron. So this is the circuit. One end is connected to the positive of the terminal, and the other side of the p-type material semiconductor n-type is connected with the negative terminal of the battery. This is a DC battery connected with the n-type semiconductor. Current electrons flow from the positive terminal to the negative terminal. Current flow and p-type semiconductor. How current flow? If we connect p-type semiconductor with the battery, positive terminal is connected with the positive and negative connected with the negative terminal of the battery. So the current will flow is called electronic flow. Electrons from the negative supply terminal are attracted to the positive hole and fill them. The positive terminal of the supply plus the electrons from the holes, leaving the holes to attract more electrons. Current electrons flow from the negative terminal to the positive terminal inside the semiconductor. Current flow is actually by the movement of the holes from the positive to the negative. Semiconductor current flow is actually by the movement of the holes from the positive to the negative. This is positive side, this is negative side, so holes are flowing from positive to negative. So the electronic charge is flowing in the opposite direction. The hole direction is like this, and this is called anticlockwise. So the electron becomes clockwise direction. In summary, in its pure state, semiconductor material is an excellent insulator. The commonly used semiconductor material is silicon. Semiconductor material that can be doped with the other atoms or can be added or subtracted electrons. And n-type semiconductor material has extra electron, and p-type semiconductor has positive holes and shortage of electrons. The heavier the doping, the greater the conductivity of the lower the resistance. Greater the conductivity and resistance are reciprocally proportional. So if conductivity increases, resistance decreases.
by controlling the doping of silicon semiconductor material can be made conductive as desired. Terminology. These are terminology. Donor. Donor is the impurity atom that increases and that increases n. Acceptor are the impurities atoms that increase holes. N-type material contains more electrons. P-type material contains more holes. Majority carriers, the abundant carrier, can be electrons and can be holes. If holes are majority, then electrons will be in the minority, and if electrons are in majority, the holes will be in the minority. Intrinsic semiconductor is in which holes and electrons both are in the equilibrium equal, and this is called Ni of the electrons and holes. This extrinsic semiconductor is called doped semiconductor. Intrinsic is the pure semiconductor in which electrons and holes are equal, and extrinsic are those semiconductors in which electrons or holes are as a majority carrier.